मनरेगा अधिनियम कानून के तहत 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए था, परंतु आज तक महादेवपुर ग्राम सभा के मजदूरों का 4 महीने के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया है। मैं अनिल कुमार और यह है मेरा समुदाय। समस्या ये है कि 23/12/2013 से काम चालू हुआ और 21/2/2014 में तक हुआ, उसमें गिनतीयारी से मतलब 40-45 रोज काम हुआ, आज तक परमानेंट नहीं मिला और काम करने वाले में आदमी कम से कम 100-150 थे। पैसा ना मिले से कौन समस्या है आपकी? अरे समस्या का ना, लड़का बच्चा बीमार होता है, बच्चे बीमार होते है, के घर में खाना खर्चा नून तेल कहाँ से आए, सबको पैसा हमेशा जरूरत बाहर है के। माँ देवर है, हम है आदमी देवरान, 4 जने हमसे काम के है, हमारे ससुर मर गया है, एक पैसा नहीं रहा है के। कैसे ऋण कर्जा काट करते रही बरही भवा, पैसा लेकिन मिला ना है। हमारे 9 लड़की है, प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा था, फीस नहीं जमा होता, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पावत हैं और लड़कियाँ हमारे को नहीं है, एक लड़की की हमारी शादी करी है, परेशानी बहुत बा, पैसा भी नहीं, कैसे शादी हुई और नरेगा में खटे है, पैसे नहीं मिला था। मैं कर्जा काट के मैं अपना शादी बिता रहा हूँ, पैसा भी रोज रोज शादी में समस्या हो रही थी। समस्या तो बहुत है, पैसा मिला होता तो आराम रहता, नहीं सुतही काट के मैं 10 रुपया सैकड़े पर काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ग्राम सभा में मजदूरों से तालाब का काम कराया गया, जिसमें पैसा मजदूरों का भुगतान 7 लाख बाकी है, जो मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका है। 1.5-2 महीने तक तो लगभग काम चला था, 160 मजदूर के पर दिन काम करते थे। मैं चाहता हूँ कि महादेवपुर ग्राम सभा के सभी मजदूरों का जल्द से जल्द भुगतान हो जाए, जिससे इनकी आर्थिक समस्या दूर हो। इसके लिए आप मदद कर सकते हैं हमारे सूर्यांवला की वीडियो, जिनका मोबाइल नंबर है 94-50-26-15-00 पर दबाव डालकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं अनिल कुमार सरोज, सूर्यांवा भदोही से, इंडिया अनहट के लिए।